है व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो यार आप लोग। तो आज व्लॉग है हमारा टू, वो भी ब्रेकिंग के ऊपर। तो अगर आप गाइस पहली बार वीडियो देख रहे हो तो पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो जल्दी से जल्दी अभी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो अभी, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो मैंने जिस चीज़ के लिए बनाई है वीडियो मैंने। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे अपने डिस्क ब्रेक के ऊपर। यस गाइस, हम डिस्क ब्रेक के ऊपर बात करने वाले हैं। डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है, क्यों इंप्लीमेंट किया गया डिस्क ब्रेकिंग को, और एक कैसे काम करता है, इसमें कैसा मैकेनिज्म यूज़ होता है, इसकी डिस्क ब्रेकिंग में जो होल्स होते हैं वो क्यों बनाए गए हैं, जितना मुझे पता है मैं आपको सब गाइस वो बताने की कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल के अंदर, और ये क्यों ज़रूरी है बाइक्स के अंदर, तो उसके बारे में भी। तो गाइस ये रही मेरी पल्सर आर एस 200, इसके अंदर भी ड्यूल ABS सिस्टम है, ड्यूल डिस्क ब्रेक ABS सिस्टम के साथ दी हुई बाइक है मुझे ये। तो इस बाइक में भी जो डिस्क ब्रेक है वो कैसे काम करता है आज हम खाली उसके बारे में बात करेंगे, ABS के बारे में फिर कभी बात करेंगे हम लोग। तो कैसे काम करता है यार इसका डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, और ये जो फ्यूल होता है ये कैसे इस लाइन के थ्रू, ये जो वायरिंग है ये कैसे काम करती है, और इसमें क्लच का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो आज हम इन सारी डिटेल्स में बात करने वाले हैं इसके ऊपर। तो होता क्या है गाइस कि पहले बात करते हैं इस प्लेट के ऊपर, ये जो डिस्क ब्रेक जो प्लेट होती है ये क्यों होती है इसके अंदर, और इसमें जो होल्स बने होते हैं ये क्या काम करते हैं इसके लिए। देखो गाइस होता ये, हम पहले सोचते थे कि इस मैकेनिज्म से कुछ एक तरीके से कील निकलती है बाहर जो इन होल्स के अंदर घुसती है और जो इसे रोकने में हेल्प करता है, बट ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होने लगे तो होगा क्या, इसकी वजह से ना जो अगर बाई चांस में कील होती तो बाइक फंस जाती और मैकेनिज्म को बाहर निकलने में बहुत टाइम लग जाता, बट ऐसा नहीं है। ये जो होल बनाए गए इसे एयर पासिंग के लिए बनाए गए हैं। पहले क्या होता था, ये जो ब्रेक जो पेड होती थी इस यहाँ पर कोई भी होल नहीं होते थे, तो होल ना होने की वजह से होता क्या था कि जब बाइक चलती थी या कोई टू व्हीलर चलता था, फोर व्हीलर चलता था, तो उस टाइम पर गर्म हो जाता था और ये मेल्ट होने की कंडीशन में आ जाता था, तो ये गर्म होते ठंडा नहीं हो पाता था। पर इस ठंडा करने के लिए ही इसमें ही होल बनाए गए हैं एयर पासिंग के लिए। जब ये चलती है तो इसमें से एयर पास होती है, और एयर पास होने की वजह से ये ठंडा हो जाता है हैंड टू। अगर आपने कभी ट्राई करना हो तो आप थोड़ा 2-3 किलोमीटर बाइक चलाइए अपनी और उसके बाद देखिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। बट ये आफ्टर ऑल मेरे ख्याल से 5 to 10 मिनट मिनिमम 5 to 2 मिनट्स लेता होगा, और उस टाइम में ठंडा हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये पार्ट यहाँ पर क्या करता है। यहाँ पर दिए जाते हैं दो डिस्क पैड का काम क्या होता है कि जो ये कैलिपर है जहाँ पर ये स्प्रिंग आपको दिख रही होगी छोटी सी, ये स्प्रिंग, यस हाँ, तो ये जो स्प्रिंग है सारी गाइज, ये स्प्रिंग का काम क्या होता है कि जब आप वहाँ से इस मैकेनिज्म को दबाते हो तो यहाँ से फ्लूड होता है रिलीज़, और वो फ्लूड जाकर यहाँ पर इस फ्लूड को रिलीज़ करना स्टार्ट करता है। इसके साथ में एज बात करें तो हमने जो पिस्टन असेंबली के बारे में हमने कभी पढ़ा भी होगा अपने कॉलेज स्कूल्स के अंदर, तो उससे रिलीज़ होता है, और उसके बाद ये डिस्क ब्रेकिंग के अंदर ऐसा कंबाइंड प्रेशर होता है इस तरीके से। सिर्फ इसका एक पार्ट मूव होता है और एक पार्ट स्टैटिक रहता है, मतलब एक डायनेमिक और एक स्टैटिक है, तो उसकी वजह से ब्रेक वहीं का वहीं रहता है, बट ये जो कैलिपर है वहीं रहता है। बट ये वाला जो कैलिपर होता है इधर वाला, हमें जब से दबाते हैं कुछ इस तरीके से तो देन ही मूविंग होता है अंदर साइड, आपको ऐसे दिखेगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि जब बाइक चलती है तब काम करता है, तो ये तब। और इस चीज़ के लिए चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप ये सोचते हो कि आपके बैक में भी डिस्क ब्रेक है और आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो, गलती से मत सोचना ऐसा। अगर आपने क्लच दबा के ब्रेकिंग मानने की कोशिश करी गलती से भी, तो बाइक स्लिप होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। क्यों? क्योंकि एक बाइक के अंदर उसके इंजन का भी उतना ही पार्ट होता है उसे बाइक को रोकने के लिए, जितना कि उसके ब्रेकिंग सिस्टम का, क्योंकि ब्रेक्स में ज़्यादातर कंट्रोल होता है हमारे इंजन का, क्योंकि इंजन में जो क्लच वायरिंग सिस्टम होती है ये क्लच वायर भी इसे कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जैसे कि यहाँ पर ABS दूसरे पैनल में भी दिया हुआ है मुझे। तो इस ABS को भी हम कह सकते हैं ये यहाँ पर, बट ये भी पूरी तरह का वर्किंग नहीं होता। तो बट अगर आप ये देखो तो यहाँ पे देखो आपको छोटे छोटे डिस्क पैड्स दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, तो ये भी हमारा डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है। अगर आपने क्लच दबा के ब्रेक मारा, क्लच दबा के ब्रेक कभी मत मारना गाइज, अगर क्लच दबा के ब्रेक मारोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि बाइक स्लिप ज़रूर हो सकती है कभी ना कभी। तो कोशिश ये करें कि क्लच दबाते टाइम ब्रेक ना मारें। अगर आपको लगता है आपको सडनली ब्रेक मारना है तो वो कंडीशन अलग होती है, पर उससे पहले बिल्कुल भी ना मारें। तो मे बी आप समझ गए होंगे गाइज कि हमारा डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है और ये कैसे वर्क करता है पूरी तरीके से। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।